किया तूने सहबाज, ये कैसा सितम है, हरामजादे। मैं ये नहीं जानता था कि तू मेरे साथ इतनी अन्याय करेगा। तूने मेरे पिता का खून क्यों किया? नहीं मेरे दोस्त, और किया तूने सहबाज, ये कैसा सितम है, ये कैसा सितम है, बहा कर मेरा खून किया मुझको कम है, हराम जादे। तूने मेरे पीठ में छोरा नहीं बल्कि मेरा विश्वास करो, मैंने नहीं किया साहब। और आए हो अरुण तो इंसाफ कीजिए, लेकिन मुझको कैसे यकीन हो जाए कि तूने मेरे पिताश्री का कातिल नहीं है? हराम जादे तू झूठ बोलता है। नहीं मेरे दोस्त, देख लाश ये परी, शायद तू भूल रहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये लाश है और लाश के तर मिया जब तू पाया। पाया गया और दफा कानून तुझ पे लगाया, तो अगर तू कातिल नहीं तो कातिल को हाजिर करो,
दफा कानून लगाया। आखिर तू नहीं कातिल है तो कौन इसका कातिल हराम नहीं है? मेरे दोस्त मेरा विश्वास करो, मैंने बोलता है नहीं, मैंने नहीं खून, तू मेरे पिता से का कातिल तो ऐसा क्यों किया? नहीं मेरे दोस्त मेरा विश्वास करो तो देख लाश ये परी, ये बिस्तर हमारा, देख लाश ये परी, ये बिस्तर मेरा, गिरफ्तार मुझको आज तुम। जादे तूने इस पिस्टल से खून किया, ये तो वही पिस्टल मेरा है, इसका मकसद ये पिस्टल तो रेशमा लेकर के गई थी। हराम जादी रेशमा, तूने ऐसा चाल मेरे साथ चला है कि मेरा ही पिस्टल ले जाकर के शहबाज को दे दिया, क्योंकि मेरे पिता श्री का आसानी से खून हो सके। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा हरामजादी। अरुण सक्सेना कि ये हम भूल जाएं कि हम दोनों कभी दोस्त हुआ करते थे, हमारी बहन का नाम अपनी जुबान पे मत लेना। और तेरी बहन वो रेशमा पे मुंशी जी इसके हथकड़ी लगाओ और पिताश्री की लाश पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेजो। वाह मेरे दोस्त, तूने अच्छा सिला दिया दोस्ती का। मेरे दोस्त और मेरे दोस्त की इस्ता ये क्या हो गया है, सुना है कि तू बेवफा। शहबाज ऐसा कर सकता है? देखिए अरुण सक्सेना, पहली बात तो इसकी आप छानबीन करिए, क्योंकि जब पिस्टल किसी और के हाथ में था और खून आपके पिता का हुआ है। जब तक मुझको रेशमा नहीं मिलती है तब तक असली कातिल का पता नहीं मुझे मिलेगा। और तब तक ये अपने दोस्त का जलाद मत भेजिए, क्योंकि किसी निर्दोष को मुलजी बनाना गलत होता है। ठीक है, चलो थाने में इसकी इंक्वायरी करेंगे। चलिए साले मास्टर साहब का खून किया हमारे।
मास्टर साहब गुरु रहे, गुरु ने बिल्कुल बाप तक मानिए कि बढ़िया शिक्षा दे रहे हैं, हमको शिक्षा दीन, तुमको शिक्षा दीन, उदय देवा के यहाँ शिक्षा दीन इंस्पेक्टर हो गए। अगर तुम बहुत सड़ी को कह मार डरे हो तो हम मारे असलाहा लेके पता लगा लहाज तिर तुम बैठ रहा हो गठरी बांधे सेंध पर तुम मिला भोसड़ी की चोरी हम करते हैं। चौकीदार और सिपाहियों देखिए, जब तक पूरी छान भी नहीं हो जाती है तब तक इसको लॉकर में रखा जाएगा। ठीक सर। और मैं आपकी साहब वो गैया छुटान जात बुरा को ना चोरा खोल लेगा यहाँ बेहुदे नालायक यहाँ चोरी लगा तब तक आप दोनों की ड्यूटी में लगाता हूँ। ठीक सर। और ये मुलजिम निकलना ही चाहिए। बहुत अच्छी बात सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात। क्यों रे गैया क्या गुरहा का भाई यहाँ क्यों से लगा सारे पर गुरहा चोर चौकीदार अब उनसे आओ कहाँ का है मुजरिम है ये मुजरिम है इसका नाम शाहबाज है मास्टर साहब का खून किया है इसने क्या शाहबाज है जी मुजरिम को बाहर निकालो ये दीनानाथ सक्सेना का खून किया लव लव अलग लव फिर मारो हम लोग मारे खोबा है का अब मारे जी हो भी मरी है तुमका शहबाज आज मैं क्या देख रही हूँ हाय शहबाज मैं देखती कौन सी खड़ी पाँव में बेड़िया हाथ में हथी कड़ी मुजरिम किया हथकड़ी खोलो बताओ के बाप का मार डरे वो बेचारा न रो तुम ना मारे तो हम मारे हमका चौकीदार मुंशी यहाँ से जाओ हेलो मारे वो सारे खाली कर चलो साहब लेके है आओ अरे जाया अब नानी नाना आज तुम का हो जे साहब कुमार में क्यों साहब हाँ जयवा किसने तुमको लाया थाने में अरुण सक्सेना का बाप का मर्डर हो गया उसी केस में मुझे लाया गया है। ठीक है शाहबाज वो तो मैं जानती हूँ मैं जितना प्यार आपसे पहले करती थी उतना प्यार मैं आज भी करती हूँ जेवा हम भी उसी तरह आज भी प्यार करते हैं जैसे पहले करते थे जेवा कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जाइयो कहाँ काहू जो कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जाइयो कहाँ चोरी से बंधे एक डोरी से जाइयो कहाँ काहू जो अरे कजरा वाली फिर तो
जेवा, जब तक हम अपने को साबित न कर दे कि हम दोषी हैं या निर्दोषी, तब तक हमारा पीछा भी मत। देखो शहबाज, मेरा पिस्टल दे दो, तुमको शहबाज बात मानो। जेवा, हम खून के इल्जाम में लाएंगे, एक और खून कर देंगे जेवा, आज हम भूल जाएंगे। देखो शहबाज, तुमको जेवा हमारा पीछा भी मत करिए। आज उस शहबाज को निकालो और उसका चालान तैयार करके उसको जेल भेज दिया जाओ, लेकर के आओ। इतना तू खामोश खड़ी है, इसका मकसद क्या है? देखो आरव सक्सेना, क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता, बिना कहे रहा नहीं जाता। ऐसी कौन सी बात, वो जो शहबाज था मेरा पिस्टल लेकर लॉकर से भाग गया है। इसका मतलब शहबाज लॉकर से फरार हो गया? जी हाँ। कितनी देर उसको निकले हुए हैं? ज्यादा दूर नहीं, अभी कम से कम 50 मीटर गया होगा। 50 मीटर हराम ज्यादा, इसका मतलब वो यहाँ से फरार हो गया। हट बदतमीज साले, तुम ये नहीं जानते हो कितना खतरनाक मुलजिम है, चलो चल करके पीछा किया जाए। अब वो सुलहा लेने आए कि, और सुन लो ग्राम सभा के आदमी, प्रधान जी, अब अगर आपका 1 घंटा हो गया हो, बाद में बताऊंगा। हाँ, क्या बात, कैसे आई? मेरे अरुण की अमानत। कैसे, कौन सी अमानत? मैंने आपको पिस्टल ला के दिया था। जी हाँ। कैसा पिस्टल? अरे किसके सामने तुमने मुझको दिया? झूठा इल्जाम लगा दियो। दशराज प्रधान, एक बात सुन लो। अरे शिमा, ऊंची आवाज नहीं, नीची आवाज करके बोलो। मैं आपसे बकवास करने नहीं आई हूँ। हाँ। और ना ही मैं आप लोगों की बकवास सुनने की मैं आती हूँ। सराफत से आप लोग मेरे अरुण की अमानत मुझे दे दो और मैं यहाँ से चली जाऊंगी। उतर आई हो ग्राम सभा के प्रधान, जो ग्राम सभा में अपने अपने रहते हैं, प्रधान लोगों बुरा मत मानिएगा, हम ठेठरिया ग्राम सभा के प्रधान हैं, हम अपना कार्य करने जा रहे हैं, तुम लोग नाराज मत होना। आप आधारे, इसलिए मैं आपकी इज्जत करती हूँ और हाथ भी जोड़ती हूँ। हाँ, तय दूंगा, असल हाँ तय दूंगा, लेकिन एक काम करो। कौन सा काम है? तुम छोटे हो, लुबुल लुबुल मत करो, जैसे हम करें बाद में वैसे तुम करो, सीखो। देखो, हमारा दिल आ गया है तुम पे, तो आओ सीने से लग जाओ। प्रधान, इसलिए तेरी इज्जत करती हूँ, वरना अगर ये बात कोई दूसरा कहता मारता मारता मारता। अरे बड़ी कातिल है प्यारी तुम्हारी, प्यारी तुम्हारी नजर इतने घायल
किया है। तेरा बन गया तू समा जलती हुई परवाना तेरा बन गया अब तो तुम बिना होगा हमारा गुरु विजय अब मौसम बन गया तुम थोड़ा सा छुप जाओ और हम कार्य करें उसके बाद तुम भैया हम छुपेंगे नहीं आप जिस प्रकार से करोगे उसी प्रकार से ए भैया भैया अरे कोई हसीना जब रूठ जाती